हम बात करने वाले हैं हाइपर लूप के बारे में। तो ये हाइपर लूप है क्या? आप में से काफ़ी सारे लोग इसके बारे में जानते होंगे, बट जो नहीं जानता वो सुन ले। एक एग्जांपल लीजिए, आप जहाँ जॉब करते हैं वो आपके घर से काफ़ी दूर है, जिसके वजह से आप अपने घर वालों से काफ़ी दूर रहते हैं और रोज़ ट्रैवल नहीं कर सकते। बट हाइपर लूप की वजह से आप उनसे कनेक्टेड रहोगे और सिर्फ 10 मिनट में आप अपने घर जा सकते हो, वो भी काफ़ी सस्ते। हाइपरलूप टेक्नोलॉजी में होता क्या है कि वैक्यूम ट्यूब्स को ए पॉइंट टू बी पॉइंट तक इंस्टॉल किया जाता है, और इंस्टॉल किया जा रहा है जो कि पूरा वैक्यूम सील्ड होता है विथ लो एयर प्रेशर, जिसके थ्रू पॉड्स हाइपरसोनिक स्पीड से ट्रैवल करता है, जो कि एक फाइटर जेट से कंपेरेबल है, फाइटर जेट की स्पीड से कंपेरेबल है। अब पॉड क्या होता है? पॉड्स छोटा सा कैप्सूल टाइप होता है जिसमें पैसेंजर ट्रैवल करते हैं। पॉड्स वहाँ पे हाइपरसोनिक स्पीड इसीलिए ट्रैवल कर पाता है क्योंकि वहाँ पर एयर रेसिस्टेंस और फ्रिक्शन को काफ़ी रिड्यूस कर दिया जाता है। ये कॉन्सेप्ट 2012 में आया था और अगस्त 2013 में पब्लिश हुआ, जिसमें एक प्रोटोटाइप के जरिए लॉस एंजलस से सैन फ्रांसिस्को तक ट्रैवल किया गया, वो भी 765 मील पर आवर की स्पीड से, यानी कि करीबन 1200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। अब आप सोच रहे होंगे मैग्नेटिक लेविटेटिंग ट्रेन्स के बारे में, बट ये उससे अलग है क्योंकि इसमें सर्कुलर मोटर की प्लेस पे लीनियर इंडक्शन मोटर का यूज़ हुआ। सेम वैसा ही है बट इससे पूरे तरीके से लीनियरी ट्रैक पे स्ट्रेट लगाया जाता है। इसका कंसेप्ट काफ़ी, बस एयर रेसिस्टेंस और फ्रिक्शन को वैक्यूम की वजह से काफ़ी कम कर दिया जाता है, दैट्स इट। बस इसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा स्पीड, एकदम बुलेट की स्पीड से जाता है। अब यहाँ पर कैश में सामने की ओर रोलिंग कंप्रेसर लगाए गए हैं, जिसके थ्रू हाई स्पीड में एयर वेंट्स के थ्रू ये डाउन साइड जाता है और ट्रैक के ऊपर आ जाता है, जिसकी वजह से पॉड्स ट्रैक से ऊपर रहता है और अपने ए पॉइंट से बी पॉइंट तक काफ़ी तेज़ी से काफ़ी स्पीड में ट्रैवल करता है। ये कॉन्सेप्ट एलॉन मस्क का है और ये ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है, तो अगर आप कोई प्राइवेट कंपनी के ओनर हैं तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको पता होगा एलॉन मस्क टेस्ला मोटर स्पेस एक्स के फाउंडर हैं, जिन्होंने अभी न्यूरालिंक के ऊपर काम किया है। इसका वीडियो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो इतना था इस वाली वीडियो के लिए। अच्छा लगा तो लाइक कर देना, अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कर देना, लेकिन कमेंट जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।